ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. I, BZ Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will be true faith and allegiance to the Constitution of India by establish, that I will uphold my service unity and integrity of India, that I will fulfill and consider discharge my duties as a minister for the state of Karnataka, that I will do the right to all the manners of people according to the Constitution of law without fear and favor, affection, ill will. I, Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as law established, that I will uphold the suffrage unity. I, Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will not directly or indirectly connected or revealed of any person or persons any matter which shall be brought to the state of Karnataka state my be of due of discharge my duties as a minister. तो कर्नाटक में कांग्रेस के जाने माने चेहरे जमीर अहमद खान ने भी अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया और ये लगातार चौथी बार है जो एमएलए की तौर पर कांग्रेस की तरफ से जमीर अहमद खान ने जीत हासिल की है. तो चमराजपेट वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि बहुत अहमियत की हामिल थी और इसमें काफी टफ फाइट देखने को मिली है. जब जमीर अहमद खान ने बीजेपी के भास्कर राव को हराते हुए चमराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल की थी. हालांकि कई तरह से अपनी बातों को रखते हुए जमीर अहमद खान भी लगातार नजर आए हैं और एक बार फिर से आपको बताते चले कांग्रेस की तरफ से जमीर अहमद खान को कैबिनेट में शामिल किया गया है. अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले चुके हैं जमीर अहमद खान. तो चार बार से लगातार कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, चौथी बार भी जीत हासिल की जमीर अहमद खान ने. चमराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल करके जमीर अहमद खान आगे बढ़े हैं और ये देखिए लगातार मुबारकबाद लेते हुए जमीर अहमद खान आगे बढ़ चुके हैं और अपनी हलफबरदारी तकरीब ने सभी ने अपनी अपनी तरह से हलफबरदारी तकरीब हलफ लिया अपना. और जिस तरह से देखा जाए जमीर अहमद खान ने अल्लाह और अपनी वालदा के नाम के साथ शुरुआत की हलफ लेने की और एक एक करके मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका है. तो ये हलफबरदारी तकरीब पूरी हो चुकी है. आप देख सकते हैं सभी ने अपने अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया है. तो सीएम के तौर पर सिद्धरमैया हलफ ले चुके हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार हलफ ले चुके हैं. सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होंगे जिस तरह से वादा किया गया था. और ये पूरी तस्वीर आप देखिए, आज की हलफबरदारी की तस्वीर आप देख सकते हैं. तमाम तर अहम जो चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से वो अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले चुके हैं. तो ये कांग्रेस की ताकत का मुजाहरा आप देख सकते हैं. बंगलुरु से कांटी रवा स्टेडियम से ये बेहतरीन तस्वीर कांग्रेस की तरफ से आपको सामने दिख रही है. सभी वुजरा ने अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया है. तो आपको एक एक करके बताते चले, डॉक्टर जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, एम बी पाटिल, के जे जॉर्ज, रामालिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे और जमीर अहमद, ये तमाम तर लोग, ये तमाम तर वुजरा, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले चुके हैं. तो अब देखना ये होगा कि किसकी तरफ से खिताब किया जाता है. क्या सीएम सिद्धरमैया फिलहाल खिताब करेंगे या नहीं, इसके लिए इंतजार.